अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में कुत्तों और सांपों के काटने की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी अस्पतालों में इस तरह के मरीजों को उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। अगर समय रहते मरीज को उचित उपचार मिल जाए तो उसकी जान को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ उपचार उचित समय पर ना मिले तो मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद की, जहाँ बरसात के मौसम में कुत्तों और सांपों के काटने की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में तीमारदारों द्वारा अपने मरीज को जिला चिकित्सालय ललितपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया जा रहा है, जहाँ अस्पताल में कुत्तों और सांपों से काटने के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं तथा डॉक्टरों द्वारा यहाँ तत्परता से इस प्रकार के मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 25 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इस तरह महीने में 625 लोगों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इंजेक्शन की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुत्ते खूंखार होते जा रहे हैं, उनके काटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। कई क्षेत्रों में कुत्तों को देखकर ही भय लगने लगा है। बच्चों समेत बड़ों में भी भय का माहौल है। सड़क पर अधिक कुत्ते देख लोग रास्ता तक बदल लेते हैं। बताया गया कि कुत्ते के काटने से जख्मी प्रतिदिन लगभग 13 मरीज मेडिकल कॉलेज में पंजीयन कराकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुत्ते के काटने पर मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रत्येक मरीज को 4-4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहला इंजेक्शन पहले दिन या दूसरे दिन, इसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर एंटी रेबीज के पर्याप्त इंजेक्शन हैं। मरीजों के आने पर पंजीयन कर क्रम के अनुसार इंजेक्शन लगाए जाते हैं। प्रत्येक CHC पर प्रतिदिन करीब 12 मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुँच रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर, मीडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानविंद्र सिंह है। मैं जिला अस्पताल ललितपुर में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। बरसात के मौसम में सर्पदंश एवं कुत्ते के काटने के मरीजों की संख्या अक्सर बढ़ जाया करती है और इसका हमारे यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का भरपूर मात्रा में इंजेक्शन मौजूद है एवं मरीजों को लगाए जाते हैं और इलाज के बाद वो मरीज अपने घर वापस चले जाते हैं। सर, डॉग बाइक के जो काट लेते हैं उसका कैसे इलाज होता है, क्या सुविधा है, कब कब की डेट होती है? हमारे यहाँ डॉग बाइट के केस फिजिशियन के माध्यम से आते हैं और हम उनको वैक्सीन देते हैं यहाँ पे रेबीज की और लगातार वैक्सीनेशन चलता रहता है। इमरजेंसी और प्रॉपर उसका एक काउंटर भी बना हुआ है जिस काउंटर को हम देखते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। मरीज आते हैं वो फिजिशियन से होके या हमारे पास आते रहते हैं, आसपास चंदेरी से कई जगहों से आते हैं। तो इसके पहले भी मतलब हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय ललितपुर में पहले भी बहुत अच्छा उपलब्ध रही वैक्सीन और अब जब से मेडिकल कॉलेज आया है तब से लोगों के लिए और ज़्यादा सुविधा बन गई है। अगर सर पर डे की बात करें तो कितने आते हैं? पर डे ये मान लीजिए इन नए केस में 15 से 20 आ जाते हैं। तो क्या इनका क्यों सर सीजन वगैरह चलता है? हाँ, थोड़ा इस सीजन में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 10% के आसपास बढ़ जाएंगे, उसके बाद आने वाले सीजन में भी बढ़े रहेंगे जब उनके बच्चे होंगे। अगर वो डॉग काट ले तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या संदेश देना चाहिए? जैसे ही कुत्ता काटता है उसको मरीज को तुरंत बताएं कि इमरजेंसी में चिकित्सक से मिले हैं और उनके द्वारा बताए गए जो है प्रिस्क्रिप्शन को जो भी डायरेक्शन बताएं उनको धुलने के लिए या दवाइयों के लिए वो फॉलो करें। अगर वो इंजेक्शन के लिए बोलते ही है लगाना है तो इंजेक्शन लग जाएगा, इमरजेंसी में चलता रहेगा। क्या डेट होती है उनकी, कैसे कहें? उनका अपना शेड्यूल रहता है, वो तो फिजिशियन तय करते हैं उसको कि उसको एंटी रेबीज लगना है या ARS लगना है और 037-1428 उनका अपना शेड्यूल है। बचाव के लिए यही उपाय है केवल? हाँ, कुत्तों से दूर रहना है और क्या है, और प्रॉपर अगर पालतू कुत्ते हैं तो उनका वैक्सीनेशन करवा के रखना है।
जी, क्या नाम है आपका और आपके मरीज को सर्प ने काटा, इस समय कंडीशन कैसी है, कैसा इलाज आपको अस्पताल में मिला? बहुत अच्छा इलाज मिला, 2 बजे के करीब सांप ने डसा, यहाँ ट्रीटमेंट होने के कारण बहुत अच्छा मरीज महसूस कर रहा है हमारा। डॉक्टर मानवेंद्र सिंह के द्वारा उचित इलाज हुआ, हमारा मरीज लगभग 100% फिट है। अब आपका मरीज स्वस्थ है? स्वस्थ है। ठीक हो रहा है इलाज? ठीक हो रहा है इलाज, बढ़िया सुविधा है। कहाँ ले आए थे जब सांप को काटा था, कहाँ ले आए थे सबसे पहले? इमरजेंसी में। हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने तत्काल इलाज किया? तत्काल इलाज किया, हमारा मरीज लगभग 100% फिट है।